आरोप लगाए गए हैं, मैं पूरी तरह से उसका खंडन करता हूं। कांग्रेस शुरू से स्वच्छ राजनीति करती रही है और विकास की राजनीति करती रही है। अगर ये आरोप लगाए भी हैं तो इसकी सीधी सी बात है, आप इसका जांच कराइए और हमको, या तो आपने आरोप लगाए हैं तो इसके तथ्य पता करिए किस तरह इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करके हम विकास की बात क्यों नहीं करते। इन 5 सालों में हुआ क्या है उसकी बात क्यों नहीं करते। जनता से सीधे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको क्या परेशानियां हैं, उनके बीच में रह के उनसे बात करिए, उनके मुद्दों पर ध्यान दें। हम उन पर कंसंट्रेट कैसे लगाया या कहाँ से ये आया ये तो पता चल सकता है। और मैं कहता हूँ कि इसका मुझे प्रूफ चाहिए, हम लोग को इसका प्रूफ चाहिए कि हाँ ये ऐसा हुआ है। अगर ये कांग्रेस ने किया है तो इसका प्रूफ दे दीजिए, और अगर इसका प्रूफ नहीं होता तो फिर कांग्रेस आप पे दें कि कभी ये हो रहा है, कभी पोस्टर, कभी इधर परिवारवाद। इनसे बाहर निकल के हम जनता की समस्याओं को सुने कि हम यही सब करते रहेंगे। ये परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, ये बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, ये इसी का ये इन्होंने एक कथित पोस्टर को लेकर के एक बयानबाजी किया है, प्रेस वार्ता किया है, तो कांग्रेस पार्टी इसकी बहुत निंदा करती है। क्योंकि आदित्य सिंह हताश और निराश हैं, वो समझ रही हैं कि सदर की जनता उनके साथ नहीं है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, जो हमारी भाजपा के सदर विधायक सदर की प्रत्याशी भाजपा की प्रत्याशी जो है आदित्य सिंह ने, इन्होंने एक आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर, कि पोस्टर एक कथित पोस्टर को लेकर के आरोप लगाया है। मैं इनके जो इनके आदित्य सिंह के बयान की निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है कि उसने इस तरह की पोस्टरबाजी पर विश्वास कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया है। हमेशा से विकास की बात किया है, जनता की बात किया है, विकास के मुद्दों की बात किया है। और जो आदित्य सिंह, चूँकि ये भाजपा की प्रत्याशी हैं, भाजपा का कोई जनाधार इस समय नहीं है, लोग परेशान हैं, गांव में, शहरों में, कस्बों में पूरी जनता परेशान है। वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन्होंने पोस्टर में उलझाने के लिए जनता का कुत्सित प्रयास किया है, लेकिन ये अपने मंसूबों पर कदापि कामयाब नहीं होंगी। केवल उस सहानुभूति लेने के चक्कर में इन्होंने ऐसा बयानबाजी किया है। हम तो ये मांग करते हैं कि अगर कोई भी दोषी अगर ट्विटर पर डाला या फिर सोशल मीडिया में डाला तो उसकी जांच कराएं, उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो। कांग्रेस पार्टी भी उसमें उनका साथ देगी इस मुद्दे पर। अच्छा, कि इन्होंने एक आरोप लगाया कि मीडिया के माध्यम से कांग्रेस ने अनर्गल चीज़ें जो है डिस्क्लोज कराई हैं, तो इससे क्या है? नहीं, कहाँ, मीडिया तो भाजपा के साथ है, हमेशा से मीडिया जो भाजपा का साथ दिया है, और उनका ये आरोप बिल्कुल गलत है। ये जो इन्होंने ये लगाया है आरोप कि ये भाजपा के आईटी सेल के द्वारा ये सोशल मीडिया में डाला गया है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। केवल चूंकि चुनाव ये हार रही हैं, जनता के बीच में जाने से डर रही हैं। कोई 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, नगर क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, विकास को छिपाने के लिए कि हमने कोई काम नहीं किया, इस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन्होंने अब ये चाल चली है। जनता चूंकि समझ रही है, इस पर कोई कामयाबी इनको नहीं मिलने वाली है। आप क्या कदम उठाएंगे इसके बारे में? अगर हम ये साबित करें, मैं इनसे प्रूफ लेना चाहता हूँ। अगर ये प्रूफ नहीं देंगी तो हम आदित्य सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे और इनको हम दंड दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निष्पक्ष रहती है और हमेशा से जनभावनाओं का सम्मान किया है।